नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के चीनिया मोड़ पर पुलिस कंट्रोल रूम के समीप जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। कर्पूरी जयंती के मौके पर गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने समाजवाद की नींव रखी थी। संविधान में दलितों, शोषित एवं पिछड़ों के लिए उपलब्ध अधिकार को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर ने पूरे देश की जनता को उनके हक एवं अधिकार के लिए जगाने का काम किया। अखिल भारतीय संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष गुप्तेश्वर ठाकुर ने कहा कि अब तक इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने समाजवाद के नाम पर सिर्फ वोट लिया, लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज नया इतिहास रच दिया है। इन्होंने समाजवाद के प्रेरणता जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित कर समाजवाद को बुलंद किया है। मौके पर समाजसेवी विजय केसरी मंत्री एवं गढ़वा वासियों से अपील की कि सभी लोग केंद्र सरकार से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दिलाने की मांग करें। मौके पर राजेश्वर ठाकुर, मुरली प्रसाद गुप्ता आदि ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय न्याय महासभा के गढ़वा जिला अध्यक्ष दशरथ ठाकुर एवं विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन झामुमो जिला सचिव मनोज ठाकुर ने किया। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, भवनाथपुर जिला परिषद सदस्य रंजनी शर्मा, सुप्रिया दुबे, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, आशुतोष पांडे, नवीन तिवारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, संतोष केसरी, अरविंद यादव, अनिता दत्त, रेखा चौबे, सतीश ठाकुर, डॉक्टर बी एन ठाकुर, संजय कुमार ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, अनूप कुमार, डॉक्टर जे पी ठाकुर, कुंदन ठाकुर, राजू ठाकुर, राजीव रंजन, फिजल अहमद सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज बहुत बड़ा कहे कि आज गढ़वा के लिए और मेरे लिए भी, मेरे मुझे आज दिली खुशी हो रही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का आज यहाँ अनावरण मेरे द्वारा किया गया और मैंने ही इसका शिलान्यास पिछले इनके जन्म दिवस के अवसर पर मैंने किया था और मैंने घोषणा की थी कि आदमकद भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी यहाँ। और एक विडम्बना थी कहा जाए तो एक बड़ा गढ़वा के लिए दुर्भाग्य था कि जन नेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक भी प्रतिमा हमारे इस गढ़वा जिला मुख्यालय में नहीं होना, क्योंकि लोग इनके नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। कुछ लोग हमारे कुछ नेतागण हैं जिन्होंने इसकी काफी सराहना भी की है, जिनका मैं सम्मान करता हूं, चाहे किसी भी दल के लोग हों। हमारे बगल में भी हमारे गार्जियन हैं और पूर्व विधायक रामचंद्र केसरी जी ने भी काफी सराहना की, उनके सुपुत्र हमारे साथ अभी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन ये गढ़वा के लिए एक कहा जाएगा दुर्भाग्य है कि गढ़वा में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी उनकी प्रतिमा का यहाँ अभाव है। एक नीलांबर पीताम्बर जो वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर, जिनके नाम पर भी लोग काफी राजनीति करते हैं, उनकी भी एक प्रतिमा इस गढ़वा मुख्यालय में नहीं थी। 26 तारीख को मैं उसका भी अनावरण, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने किया था पिछले कार्यक्रम में, उसका भी मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। और भगवान बिरसा मुंडा, जिसका केंद्र के बड़े बड़े नेता जिनका नाम लेते नहीं थकते जब झारखंड आते हैं, तो और हमारे इस गढ़वा के लोग भी हमेशा भगवान बिरसा मुंडा को हर अवसरों पर याद करते हैं, लेकिन उनकी भी एक प्रतिमा नहीं थी यहाँ। वो भी हेलीपैड में, यहाँ जो हमारा बड़ा विशाल 14 करोड़ का पार्क बन रहा है, वहाँ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी लगाई जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रतिमा हमारे इस गढ़वा जिला मुख्यालय में नहीं है। तो मैं आज आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो समाहरणालय जो बन रहा है लगभग 60 करोड़ की लागत से, उस समाहरणालय के परिसर में एक विशाल हमारे बापू की, महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इन महापुरुषों से लोग जो हमारे नई पीढ़ी है उनको उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, जब वहां से गुजरे देखे जाने कि हाँ भाई ये किनकी प्रतिमा है, क्यों लगाया गया। सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आज अगर बच्चों से पूछा जाए तो या तो गूगल में देखकर बता सकते हैं या और, लेकिन ऐसी जानकारी लोगों की लागत से उस समाहरणालय के परिसर में
एक विशाल हमारे बापू की महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इन महापुरुषों से लोग जो हमारे नई पीढ़ी है उनको उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, जब वहां से गुजरे देखे जाने कि हाँ भाई ये किनकी प्रतिमा है, क्यों लगाया गया। सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आज अगर बच्चों से पूछा जाए तो या तो गूगल में देखकर बता सकते हैं या और, लेकिन ऐसी जानकारी लोगों को नहीं है। बहुत सारे नीलाम्बर पीताम्बर के बारे में भी नहीं बता पाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, लेकिन जब इनकी प्रतिमा देखेंगे तो कौतूहल होगा और इनके बारे में जानकारी लेंगे और उनकी जीवनी से उनकी जो सोच थी उससे प्रेरणा लेकर और इस हमारे गढ़वा से लेकर इस झारखंड राज्य को और इस देश को गढ़ने का काम करेंगे। जो उनकी सोच थी सामाजिक न्याय, सभी लगकर जो सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता का जो उनकी सोच थी वो आगे बढ़ेगी और हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा।